बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी ढेर सारी दुआओं के साथ आज के इस खूबसूरत व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज हम आए हैं शनवारी होटल, आपको दिखाती हैं शनवारी होटल का खूबसूरत सा पार्क, जो हम बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन की हुई है और ख़ास तौर पर ग्रासी डेकोरेशन तो बहुत ही खूबसूरत है। अभी नमाज मगरिब का टाइम हो चुका है, अज़ान आ रही है। क्या आपको पता है कि आज हम शनवारी होटल किस लिए आए हैं? आज हमें हमारी पाजी ने उम्रा की दावत पे इनवाइट किया है। मुज्तबा ने तो पाजी को एक्सक्यूज़ कर लिया था कि पाजी कोई बात नहीं, वैसे भी हम साथ थे, इकट्ठे ही खाते पीते रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो पाजी ने गुस्से में कॉल बंद कर दी। तो अगले 15 मिनट में हम बाजी के घर मौजूद थे। बाजी ने कहा कि ये कैसे हो सकता था, मेरा प्यारा भाई और भाभी मेरी दावत खाए बगैर ही चले जाते और मेरा दिल हमेशा उदास रहता, और ये बाजी की मोहब्बतें और दुआएं ही हैं माशाल्लाह। मौसम भी बहुत खूबसूरत और क्लियर है और यहाँ तो नज़ारा और भी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ होटल के इस खूबसूरत पार्क में लोग बच्चों को भी लेकर आते हैं, बच्चे यहाँ खेलते हैं और अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं, और शाम के टाइम फैमिलीज़ भी आ जाती हैं। और हमने भी यही डिसाइड किया था कि हम बाहर ग्रासी में ही खाना खाएंगे, अंदर होटल में नहीं, और यहाँ के खूबसूरत मनाजिर से भी लुत्फ़अंदोज़ होते रहेंगे। ये देखिए बहुत खूबसूरत डेकोरेशंस बनी हुई हैं। हमारे इलाके की बहुत ही खूबसूरत और पॉपुलर जगह है, लोग यहाँ बहुत शौक से खाना खाने के लिए आते हैं। यहाँ का खाना भी बहुत ही टेस्टी होता है और घर के माहौल से यहाँ फ्रेश होने के लिए भी बाहर चले आते हैं फैमिलीज़ ख़ास तौर पर। मुझे यहाँ का नमकीन रोस्ट और सूप बहुत पसंद है। हमने यहाँ मटन, चाइनीज़ राइस और सूप ऑर्डर किया है। जब तक खाना रेडी होता है तब तक हमने सोचा कि यहाँ पार्क ही देख लिया जाए। ये देखिए कितनी सफाई और खूबसूरती से ये ग्रासी डेकोरेशन की हुई है। यहाँ सामने एक कुएं की डेकोरेशन बनी हुई है, आइए चल के देखते हैं। ये देखें, व्यूवर्स, इस तरह की खूबसूरत व्लॉग्स में हमारे साथ रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ में आप कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट करने से हमें हौसला अफजाई होती है और व्लॉग्स को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप अपने मुफीद मशवरे कमेंट में ज़रूर किया करें। शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और मुस्कराता रखे। आमीन। खाना रेडी हो गया है, अभी मुज्तबा खाने के लिए बुला रहे हैं।
बहुत अच्छी लगती है।